मुझे देखो मेरे पीछे आओ, मेरे जैसे बनो, नमस्ते मित्रों, चलिए हम आज अब्दुल बहा की जीवनी से एक कहानी सुनते हैं। अमेरिका की एक बहाई लुआ गेट सिंगर अक्का आई हुई थी और वो अब्दुल बहा के साथ सेवा कर रही थी। तो एक दिन अब्दुल बहा जब बहुत व्यस्त थे, उन्होंने लुआ से कहा कि क्यों ना वो जाके उनके एक गरीब और बहुत ही बीमार मित्र की देखभाल करें। और उन्होंने खास तौर से उनको समझाया कि उस व्यक्ति के लिए कुछ भोजन लेके जाए और अच्छी तरह से मदद करें। तो ये बात सुनकर लुआ बहुत खुश हो गई और वो वहाँ पे जाने लगी। लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही वो बड़े ही जल्दी वहाँ से लौट आई और बड़े ही व्याकुलता से उन्होंने अब्दुल बहा से कहा कि शायद आपने मुझे कोई गलत जगह भेज दी थी। वहाँ के कमरे इतने गंदे बदबूदार थे, वो व्यक्ति से इतनी गंध आ रही थी, वो कितना गंदा था, वो नहाया हुआ नहीं था, और इससे पहले कि कोई बीमारी उसे छूती वो वहाँ से भाग के चली आई। ये सुन के अब्दुल बहा को बहुत दुख पहुँचा और उन्होंने एक सख्त और दृढ़ पिता की तरह लुआ को समझाया कि अगर तुम्हें ईश्वर की सेवा करनी है तो अब उनके अनुयायियों की सेवा करनी होगी, क्योंकि ईश्वर की छवि उनके अनुयायियों में दिखती है। और बड़े प्रेम से अब्दुल बहा ने लुआ गेट सिग्नल को समझाया और प्रेरित किया कि दोबारा उस व्यक्ति के पास जाए और अच्छी तरह से उस व्यक्ति की देखभाल करे। और अब्दुल बहा ने इस बात पे जोर दिया कि अगर वो व्यक्ति नहाया हुआ नहीं है तो उन्हें नहलाओ, अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, अगर उसके कमरे गंदे हैं तो उसे साफ करो, और जब तक ये पूरे काम ना हो जाए वहाँ से ना लौटने के लिए कहा। अब्दुल बहा बोले कि अब्दुल बहा तो ये काम हर समय करते हैं, क्या एक बार लुआ ये काम उनके लिए नहीं कर सकती? तो हम देख सकते हैं अब्दुल बहा ने बड़े ही प्रेम से लुआ को सेवा के बारे में सिखलाया। धन्यवाद मित्रों।